बूढ़ी हैगी है पर जान ना गई है भाई 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 ओ भाई यार ये स्टेयरिंग क्या है यार थोड़ी पेंट में प्रॉब्लम लगी हाँ। और 5 साल तक तो एकदम सही रही उसका इसमें खर्चा ही खर्चा खर्चा 4 लाख रुपए लग चुके इसमें हैं। हेलो भाई मैं पवार ये खड़ी हुई आज हमारे सामने महिंद्रा की XUV 500 इसकी कंडीशन एक बार मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट ये देखो आप भाई जंग वंग खा रखे पूरी गाड़ी गली गली से लग रही है इसका मतलब बहुत मंदे टाइम की बहुत पुराना मॉडल ये कहीं ना कहीं होगा। तो क्या हुआ भाई एक्चुअल में मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक रिव्यू शेयर किया था जहाँ पे भाई ने XUV 500 बेच के दोबारा से 5XU यही ली थी मतलब खूब बढ़ाइयाँ करी थी खूब तारीफ करी थी लेकिन फिर एक भाई हमको ऐसे मिले उन्होंने कहा भाई भाई इतनी तारीफ कर रहे हैं मुझे नहीं लगता ये झूठ है। तो वो भाई कौन से हैं शोर भाई आ जाओ ये फरीदाबाद के रहने वाले हो ना भाई आप। हाँ जी भाई नाम बता दो एक बार अपना पूरा नाम पता सब कुछ बता दो भाइयों को। मेरा नाम शौर्य डागर है मैं सेक्टर 17 रहता हूँ। तो भाई के पास ये 500 भाई 700 इतना जुबान में चढ़ गया यार बार बार वही बोलता है भाई आप क्यों कह आप मेरे से कि भाई ऐसा नहीं है वो सच बात नहीं है इतनी बेकार गाड़ी है ऐसी गाड़ी है बेकार गाड़ी क्या रीजन है उसके बारे में बताओ यार क्यों आपको इतना वो हो गया उस वीडियो को देख के इतनी भी अच्छी नहीं है भाई जितनी वो भाई तारीफ कर रहे थे। भाई सबसे बड़ा तो इसकी पेंट की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा और इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। सर्विस इसकी करीब नॉर्मल सर्विस 15-16 हज़ार से कम नहीं होती। तो कौन सा वो है ये ईयर वाला मॉडल ये बताओ। ये 2015 अक्टूबर का है W8 मॉडल है। यार ये तो खत्म होने वाली है तो 8 साल हो चुके इस गाड़ी को आजकल यार 10 साल वाले सिस्टम से ना गाड़ी को हम वैसे जज करने लग गए 2015 से नहीं पहले तो। और दोस्त ठीक है भाई देखो भाई हमसे कैसे हम कितना अच्छा फिल्म बना रहे हैं भाई देख रहे हमको। तो 8 साल बाकी क्या पेंट में ऐसी क्या दिक्कत है वो बताओ पहले एक एक करके। भाई पेंट में एक तो यहाँ पे इस पे देखो आप अरे हाँ यार ये तो भयंकर ही है यार ये बाहर से रीपेंट रीपेंट करवाया था क्या भाई रीपेंट नहीं हुआ हुआ। अच्छा जी और बाकी कहाँ है पेंट वाला जो समस्या देखो अरे ये सच में मतलब इतना ज्यादा पेंट ऐसा है महिंद्रा का 8 साल के अंदर यार फरीदाबाद का पानी खा रहा है ऐसा सिस्टम होगा। पानी की बात है भाई क्रोम पे भी देख लो आप क्रोम पे भी वही दिक्कत है यहाँ पानी खा रहा है वरना वो भाई बताते यार उन्होंने बिक गए पूरे 10 साल पूरे हो गए तब भी वो बंदा ले रहा है तो कुछ तो बात होगी ना यार। पूरी बॉडी गल गई है वो बस थोड़ी क्लाइडिंग है उसकी वजह से दिखती नहीं है। अच्छा गली पड़ी है क्या पूरी गाड़ी गल गई है बॉडी वहाँ से। 8 साल में महिंद्रा का ये हालत होली कितनी चला दी है गाड़ी 1,42,000 चली भाई 1.5 लाख होने वाली है डीजल है ना डीजल है भाई। चलो पेंट की तो ठीक है खारा पानी लगता रहता है और तो क्या है यार पेंट की भाई इसके थोड़ी शुरू में छोटी मोटी दिक्कत आती रही अभी इसमें फिलहाल वाइपर्स की आ रही है कैसे? मशीन खराब हो गई है जैसे ऑन कर दो वाइपर ऑफ करोगे ऑफ नहीं होंगे चलते रहेंगे क्या क्या करना ऑन करना फिर चलते ही रहेंगे ये तुक्के की बात है बंद हो जाए तो हो जाए ना तो ना भी हो। अच्छा ऑन कर दिए अब कर दिए ऑफ भाई धार कैसी इसकी इतनी बेकार अभी हुए तो थे बीच में हो गए तुक्के की बात है भाई कभी हो जाते हैं कभी नहीं होते। अरे चलते भी कैसे हैं भाई नाच से रहे हैं तो भाई हो रहे हैं यार भाई यार भाई नहीं हो रहे थे बीच में फिर कंपनी दिखाया उन्होंने बोला मशीन खराब होगी इसकी मशीन बताई हमें 20-25 हज़ार रुपये का उसका वो बताया 20 हज़ार तक का एस्टिमेट दिया। अच्छा अब भी इसके पार्ट्स को देख लेते हैं वो चेक वेक कर लेते हैं इस गाड़ी को भी भाई अभी भी। अच्छा और क्या प्रॉब्लम है भाई ऐसी जो आप इतने परेशान हो के आपने जैसे कहा भाई था एक स्टेयरिंग का वो मैंने चेक कराया उसमें मुझे बोला कि ये आपका टायर फूल गया उस वजह से जो वो स्टेयरिंग कांपता है आपका स्टेयरिंग कांप है वो मुझे ये बोला है मैंने बाहर चेक कराया था MRF के उस पे उन्होंने बोला था कि ये टायर फूल गया उसकी वजह से है वो तो उस टाइम के हिसाब से भाई फीचर देखना अभी जल जाएगी मारनो पड़े जब जले है ये वाली हमेशा है एक बार ऑन करो मारना पड़ता है एक बार मुक्का कभी बंद हो जाएगी मारती स्विफ्ट का जमाना रेड्स का जमाना स्विफ्ट का उस टाइम तो भाई रही आप बिल्कुल उस टाइम तो पूरे गांव में ऐसे होगी कि यार 19 लाख में शोर डागर XUV लेके आया है ऑटोमेटिक लाइट थी ऑटोमेटिक लाइट थी भाई। और भाई मेन तो इसकी बॉडी का ही था और जंग जो गाड़ी ने खाया और जो पेंट में प्रॉब्लम थी। और कितने की ली थी उस टाइम पे गाड़ी भाई उस टाइम ली थी 19.5 लाख की। उस टाइम क्यों ली थी भाई ये उस टाइम ये 7 सीटर देख के और थोड़ी बड़ी
और इस वजह से ही ले ली थी कि डीजल भी है और पावर वगैरह भी सब सही थी उस टाइम इसकी। तो आपको अभी अगर मौका मिले दोबारा से 700 लेने का तो भाई ये क्या कर रखा है यार गाड़ी का भीतर से, ये लेदर कंपनी का ही होगा? कंपनी का ही होगा। क्या हाल हो गया यार इसका, मेंटेन नहीं करते क्या आप गाड़ी को? वैसे तो मेंटेन ही दिख रही है, साफ सफाई जैसे मतलब। भाई कुछ नहीं, कंपनी की सीट्स हैं, हमने बाहर से लगवाई भी नहीं, इस पे सीट कवर वगैरह नहीं, बाकी वैसे गाड़ी साफ सफाई रहती है। ये जो वारंटी है सारा खुद टाइम टू टाइम होगा। भाई ये देखो यहाँ पे कैसे, जब आप गाड़ी को ज़्यादा यूज़ करते हो तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा आ जाता है, ये पूरा छिलने लग जाती हैं चीज़ें। यहाँ 142,648 किलोमीटर भाई की गाड़ी पूरी रन हो चुकी है। ये स्टीरियो वगैरह प्रॉपर वही कंपनी से ही आता है जैसे पहले आता था ना। ये इस पर क्यों टेप वेप चिपका रखी है भाई हैंड ब्रेक पे? भाई ये टूट गया था इसका पैनल। ये टूट गई, बिखर गई क्या? ये टूट गया भाई, लॉक वगैरह टूट गए इसके। कैसे, कुछ करते हो क्या हैंड ब्रेक के साथ? कुछ नहीं भाई, नॉर्मली यूज करते करते खुद ही एक दिन निकल गया ये। क्या ये गियर नॉब सही है इनका, वरना गाड़ी का ये गियर कहीं से चलन जाने लग जाता है। अच्छाई भी तो होंगी कुछ गाड़ी की, वो बात बताओ भाई। अच्छाई गाड़ी चलने में नो डाउट बहुत बढ़िया है, भागती है पूरी, चलाने में कोई कमी नहीं लगी गाड़ी की। टाइम के हिसाब से जो फीचर वगैरह कंपनी देती थी वो सारी इसमें है। उस टाइम 2015 में इतने कोई फीचर आते भी नहीं थे। टायर कितनी बार चेंज हो लिए इसके? 3 बार हो चुके शायद। ओके आओ एक बार बैठो गाड़ी में, चला के देखते हैं भाई गाड़ी चलने में जरा कैसी है। जैसे भाई ने, भाई ये गाड़ी ऐसे अभी तक क्लच व्लच तो यार बढ़िया दब रही है इसकी, कोई हार्ड वार्ड जैसे मेन हुई नहीं है, क्लच व्लच कोई हार्ड वार्ड तो हुई नहीं यार भाई इसकी। चेंज हुई क्लच प्लेट। क्लच प्लेट चेंज हुई, वरना हार्ड हो गई थी। हार्ड हो गई। अच्छा और गियर शिफ्टिंग वगैरह भी चेक करते हैं भाई कैसी है गाड़ी की। ये चलाते हैं एक बार, 1.5 लाख चलने के बाद जरा कैसी हो जाती है गाड़ी महिंद्रा की। और जान तो अभी बन रही है, अब कंपनी में सर्विस करवाओ, बाहर कराओ भाई। कंपनी में कराते हैं आज भी कंपनी में कराते हैं। और कितने की होती है भाई वो? भाई लग जाते हैं 15-16 हज़ार तो है ही यार। ये स्टेयरिंग क्या है यार, इतना ज्यादा बहन भाई, ये तो 50 की स्पीड पे ऐसे कर रहा है। ये गाड़ी कितनी भयंकर बजा दी है, पूरी सीट वीट इतनी हाल रही है भाई इसकी यार। क्या कर दिया गाड़ी, क्या क्या काम धंधा, क्या कहाँ रफ यूज करते हो कि इसका? नहीं भाई डेली दिल्ली रनिंग है और कहीं ज्यादा दूर है नहीं, बाकी लंबे टूरों पे वैसे जाते। ऑफ रोड नहीं लेके जाते? ऑफ रोडिंग नहीं करी भाई। उड़ा दूं भाई, आप क्या कहते हो, लगवा लूं 307? छोड़ो भाई, दूसरा गियर भागा तो मस्त है यार, भागने में मस्त है भाई, वही एक चीज गाड़ी की बढ़िया लगती है भाई। देखना बूढ़ी हैगी है पर जान ना गई है भाई। भाई 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 ओ भाई रियली सॉरी यार, तुम्हारे फरीदाबाद के रोड गड्ढे यार भाई, यही हालत है, तभी गाड़ी खराब होती है। तभी बच गई यार ये गाड़ी भाई। इसका स्टेयरिंग का दिखवाओ यार, बाकी तो मेरे को ऐसा कुछ लग नहीं रहा। ये तो वही आपने जैसा कहा वारंटी है यार, लेदर लूदर तो जाएगा ही, कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। अब इस गाड़ी को चेंज करने की सोच रहे हैं, पर महिंद्रा मैंने बोला स्कॉर्पियो मना कर रहे हैं, कह रहे महिंद्रा गाड़ी नहीं लेनी है। घर वाले मना कर रहे हैं। क्यों? यही कि थोड़ी पेंट में प्रॉब्लम लगी। हाँ। और 5 साल तक तो एकदम सही रही, उसका इसमें खर्चा 4 लाख रुपए लग चुके इसमें। है? लग चुके थे। किस चीज में भाई ऐसा? कभी इसमें क्लच प्लेट की दिक्कत थी, कभी और कोई छोटी मोटी दिक्कत, कभी कोई सेंसर में दिक्कत, थोड़ा थोड़ा करके। और पार्ट्स भी महंगे लगते हैं इसके। तो मतलब पूरा ये प्लान है अब ना लेनी महिंद्रा? महिंद्रा। अच्छा जी ठीक है भाई, जैसी आपकी इच्छा मत लो यार, अब क्या करें। महिंद्रा तो भाई आजकल क्रिकेट के बीच में बड़ी ऐड चला रही है अपनी, यू ड्राइव इट एंड दे टॉक अबाउट यू, ऐसे कर करके। अब ये ऐसी बन गई है रफ यूज के लिए, है ना? बिल्कुल भाई, रफ चलाओ। तो फिर बेचने का क्या ख्याल है इसका, क्या कुछ रीसेल वीसेल आज तक लगवाई है क्या कुछ? भाई अब बेचेंगे इसे, मतलब वो फील खत्म हो गया यार जो एक मतलब एक ड्राइवर को चाहिए होता है ना गाड़ी से। स्टेयरिंग बिगड़ गया, काफी चीजें बिगड़ चुकी है गाड़ी की। ये कैसे ऐसे आप चला लो गाड़ी को जो ऐसे चले टेढ़ा ट्रक की, और ट्रक का भी नहीं हिलता ऐसे तो जैसे ये हिलता है, और आप स्पीड देखना जस्ट 40 पे स्पीड है, और अलाइनमेंट आउट है, क्या आउट है भाई ये? भाई मैं अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग कराने गया था। हाँ। उन्होंने बोला कि इसके टायर फूले हुए। भाई स्पीकर की बात रही, स्पीकर इतने खास नहीं है गाड़ी के, भाई स्पीकर गाड़ी के बेकार है बिल्कुल, सारी तोड़ ताड़ दी, पूरी प्लास्टिक पूरी टूटी पड़ी है। पीछे जाके देखूं 8 साल में पूरी जंग जुंग खा गई गाड़ी। ये इसकी थर्ड रो है, एक कभी यूज करिए भाई ये? तीसरी रो बहुत कम यूज हुई है भाई। मैं इससे वीडियो से आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कस्टमर एक्सपीरियंस भी हर बंदे का सेम नहीं रहता गाड़ी लेने के बाद भी। अब जैसे हम उन भाई से मिले थे, उनका इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, अब हम एक इन भाई से मिल रहे हैं, इनका इतना बुरा एक्सपीरियंस है कि ये कभी दोबारा महिंद्रा ही नहीं लेंगे। मैं तो बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैंने स्कॉर्पियन का बोला था, मैंने कहा क्या पता इम्प्रूव होगी हो कुछ क्वालिटी, पर घर वालों के दिमाग में बैठ गया कि नहीं महिंद्रा गाड़ी नहीं लेनी। पर अभी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह तो सही है ना इनके? वो सब सही है, जो फीचर वीचर स्टीरियो स्पीकर वो सब सही है, बस ये बाहर से जो दिखता है
उसमें दिक्कत आ रही है, और मैकेनिकली ये तो है महंगा है, मतलब महिंद्रा का बुढ़ापा भी इन भाई के लिए पर्टिकुलरली अच्छा नहीं रहा है। हम चाहते हैं अब आप आगे जब गाड़ी लो तो उसको अच्छे से रखो, मतलब अच्छे से तो ये भी रखी है आपने, रखी है भाई, पर गाड़ी ने साथ नहीं दिया आपके और छजी नहीं, वो बात है बस। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, थैंक यू सो मच।